अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद फैसल। मैं हूँ फैसल नकवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ विद फैसल। आज मैं फिर से खाना बनाने के लिए किचन में तशरीफ लाया हूँ, लेकिन गर्मी बहुत है तो खाना बनाने से पहले मैं दूध सोडा, मुझे प्रोवाइड किया गया, मैं दूध सोडा पी रहा हूँ। दूध सोडा पी के कलेजे ठंड पा के फिर मैं चूल्हे के पास जाऊँगा ताकि मुझे ज़रा हौसला रहे और मैं खाना अच्छी तरह बना सकूँ। तो मैं ज़रा दूध सोडा पी लूँ, आप देखें। अच्छा जी, ये दूध सोडा मैंने पी लिया और ये चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। यहाँ पर ये देखें आप, बड़ी खूबसूरत हरे रंग की हरी मिर्च, प्याज कटा हुआ है, ये टमाटर कटा हुआ है और उसमें मैंने रखा है साथ अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है जी चिकन, चिकन के पीसेस काट के रखती हैं। बाकी इसमें मसाले और जो कुछ भी डलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। और ये आज मैं बनाने लगा हूँ आपके लिए चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बहुत आला बनाता हूँ मैं, आज पहली दफ़ा ना मैंने बनाना है, तो मैं बहुत आला बनाता हूँ तो आपको मैं बना कर दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने ऑयल डाल दिया इसके अंदर, ऑयल डाल के चूल्हा जला कर और अब मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ जी प्याज। ले लीजिए, प्याज मैंने डाल दिया इसके अंदर, घी थोड़ा सा, ऑयल गर्म हो गया, कुकिंग ऑयल है जी हबीब का कुकिंग ऑयल। ले जी प्याज हो गया ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउन, मतलब जितना हमें ब्राउन चाहिए उतना ब्राउन प्याज हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा टमाटर कटे हुए और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं सबज मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगा और सबज मिर्च में बाद में डालूँगा। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगा। चलो, अच्छा जी, ये अब हमारी मसाला थोड़ा सा रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर जो खुश्क मसाले हैं वो ऐड करता हूँ। इसमें मेरे पास है जी लाल मिर्च, हल्दी, ये है गरम मसाला, नमक और सूखा धनिया, ये हमने अपने ऐड किया हिसाब से, ये इसमें ऐड करते हैं। और इसमें एक सीक्रेट है इस पुलाव का कि इसके अंदर जो नेशनल का बिरयानी मसाला है, ये मेरी अम्मी की सीक्रेट रेसिपी है कि वो पुलाव में भी बिरयानी मसाला ऐड करती थी। तो ये एक चम्मच इसके अंदर मैं बिरयानी मसाला का ऐड कर दिया मैंने, और अब इसको हिला के बिल्कुल रेडी है जी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा चिकन, चिकन ऐड करके अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह हिलाना पड़ेगा ताकि का मसाला अच्छी तरह चिकन के ऊपर लग जाए। देखिए, ये इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहा हूँ मैं, फ्राई करके ये अच्छी तरह जब इसको भुनी टाइप आ जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगा और पानी ऐड करने के बाद इसको छोड़ दूँगा ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। नहीं जी, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करने लगा हूँ ताकि ये जो भुनी टाइप आ गया इसको भुनी, और इसके अंदर ले लीजिए, मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा हिला कर मैं जलने के लिए छोड़ देता हूँ। कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये जी अब भूनी आ गई है इसको मसाले को, और ये मेरे पास दो गिलास चावल है, तो दो गिलास चावलों के लिए मैं इसके अंदर चार गिलास पानी ऐड करूँगा। ये हो गया जी एक गिलास,
नहीं थी, अब उसको मैंने 4 ग्लास पानी उसमें ऐड कर दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ इसका उबाला आने का, जब जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो फिर मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँ। नहीं जी, पानी को उबाला आना शुरू हो गया, तो अब मैं इसमें ऐड करता हूँ चावल। ले जी, मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए, ये अब इसको आग मैंने तेज़ कर दी है और इसको चावल गलने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही चावल गल जाएंगे, जो एक पॉइंट होता है जहाँ पर कनी रह जाती है चावलों में, तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है इस टाइम पुलाव का। अभी मैंने इसका नमक मिर्च चेक किया और मेरी जान निकल गई है, क्योंकि बहुत गर्म था। तो अब मैं इसको लगाने लगा हूँ दम। दम मारो, दम मिट जाए सब गम। ये देखें जी, ये इस तरह इसको दम लगेगा और इसके ऊपर हम रखेंगे लेट। आग हम इसकी हल्की कर देंगे, आंच इसकी हम कर देंगे तकरीबन 1 मिनट। और अब हम वेट करते हैं इसका रेडी होने का। दम से रखती है चावल और अभी जब रेडी हो जाते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि मैंने जो पुलाव बनाया, जो मैं फिर पुलाव बनाता रहता हूँ, पहली दफ़ा आज मैं बना रहा हूँ, वो कैसा बना। लेकिन दम का टाइम पूरा हो गया, अब हम इसको मैं उतारने लगा हूँ इसके ऊपर से दम। इसका खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आँख मैंने बंद कर दी। वाह, क्या ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। इसके ऊपर मैं हल्का सा ये हरा धनिया छिड़कूँगा ताकि इसका थोड़े से कलरफुल हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करके दिखाता हूँ, एक स्लेटर बनाता हूँ अपना, इसके साथ मैं इसके ऊपर मैं सॉस डालूँगा और थोड़ा सा प्याज डालता हूँ उसके साथ में। गर्म बहुत है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए। रेडी मेरी यम्मी, बहुत मज़ेदार खाना बना, बहुत अच्छे चावल बने। अब तक के लिए मेरा ब्लॉग खत्म है, मैं ज़रा खाना खा लूँ, आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।